जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से सुनवाई होने वाली है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 3 मुद्दे सुझाए हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में विचार किया जाएगा। कई याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का यह कहना है कि सबसे पहले उन 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका सुझाव अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने दिया है। के वेणुगोपाल ने जो मुद्दे सुझाए हैं उसमें से पहला यह है कि 103वां संशोधन जो इसके लिए किया गया है उससे क्या संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन होता है या नहीं। इसके अलावा इस पर भी विचार होगा कि क्या इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में दाखिले के लिए जो ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं। इस कोटे से अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को बाहर किया जाना चाहिए, क्या संविधान का उल्लंघन है या नहीं, इस पर भी अदालत विचार करेगी। अदालत में इन सभी मुद्दों पर 13 सितंबर से चर्चा शुरू हो जाएगी। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 103वें संविधान संशोधन के तहत भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आर्थिक आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर सके। इस फैसले को चुनौती दी गई थी और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।